जी को पूरी आयतुल कुर्सी भी याद ना हो, मनु चेहरे आप देख लिए, इंशाल्लाह आप रात में नहीं डरेंगे, सिर्फ तीन बार या रजा या रजा बोल के सो जाएंगे, सिर्फ तीन बार या रजा या रजा बोल के सो जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप मौलाना फारूक खान रजवी साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। भाई हजरत, जरा सा 5-6 मिनट आपसे बात करनी थी, आप फ्री हैं? हाँ जी बोलिए। ये सर, मैं आपका माशाल्लाह ना, जो आपके काफी बयानात होते हैं, जो वहाँ भी देवंदी का आप जो एक्सपोज ऑपरेशन करते हैं जी, वो माशाल्लाह मैं सब सुनता हूँ मैं, और एक आवाज आ रही मेरी हजरत? हाँ सुन रहा हूँ जी। मैं सुनता रहता हूँ। एक वीडियो थी जो मैं नहीं सुन सका, मुझे किसी दोस्त ने सुनाया, वो वीडियो उसने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा। अब व्हाट्सएप पर भेजा मैंने, देखा तो देखा ये कि आपने तकरीर में ये कहा कि जिसे आयतल कुर्सी याद ना हो वो तीन बार या रजा या रजा या रजा बोलकर सो जाए, इंशाल्लाह शैतान भाग जाएगा जी। तो हजरत ये क्या चीज है, मतलब आप आला हजरत के नाम को कुरान से ज्यादा बताना अहम बताना चाहते हैं कि क्या बताना चाहते हैं? पहले पूरी तकरीर सुनिए, एक छोटी सी क्लिप से कोई नहीं, नहीं नहीं, मैंने हजरत क्लिप सुना छोटी सी, फिर मैं पूरा वीडियो भी सुना, मैंने पूरा वीडियो भी देखा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान की आयत से आप क्या मतलब बताना चाहते हैं कि कुरान की आयत से बेहतर या रजा है? इसने बोल दिया वहाँ, आपने इससे कैसे नतीजा निकाल लिया? नतीजा तो यही निकल रहा है ना, बड़ी आसानी से जो आपने कह दिया कि आयतल, अरे आप नतीजा निकाल रहे हो तो आपके निकालने, मैंने क्या कहा, अगर आयतल कुर्सी किसी को याद ना हो, जी 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 जी, जी उससे अफजल है, उससे अफजल है। हाँ 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 हाँ, यही कह रहा हूँ हजरत, आयतल कुर्सी किसी को, एक मिनट हजरत, हजरत एक मिनट हजरत सुनिए हजरत, आप लोगों की तकरीर हम सुनते रहते, कभी हम जैसे लोगों की भी बात सुन लीजिएगा ना।